हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट द एरिया इन एलविस सॉफ्टवेयर उसके बारे में बताया था। आज हम काम करेंगे यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओपन द एलविस सॉफ्टवेयर एंड गो टू कैटलॉग एंड ओपन सिटी ब्लॉक टेबल। Type the following formula in command line: height density is equal to population density greater than 200। अब इसमें ये ऑपरेटर्स है greater than, इसको हमने यूज़ करना है और इसके ज़रिए हमने वो सारी पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करनी है जो हमारे पास ग्रेटर हो 200 से। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सिटी ब्लॉक का जो हमारा टेबल है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं और ये हमारे पास एक न्यू कॉलम ऐड हो गया हाई डेंस, जो के कंट्रीब्यूट हैं फॉल्स एंड ट्रू पे। इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं यहाँ पर। क्लिक ओके एंड चेक द रिजल्ट। नोट दैट द सजेस्टेड डोमेन एंड कॉलम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इज बूल एंड अब बूल डोमेन एब्रिविएशन ऑफ बूलेन इज ओनली थ्री पॉसिबल वैल्यू ट्रू फॉल्स एंड अनडिफाइंड। अगर हम यहाँ पर देख लें तो हमारे साथ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ थ्री कैटेगरी में हैं, एक हमारे साथ फॉल्स है, एक हमारे साथ ट्रू है और हम चेक करते हैं कि इसमें अनडिफाइंड वैल्यू हमारे साथ है कि नहीं। सो यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेशन कंपेयर टू एक्सप्रेशन एंड चेक इफ बोथ आर ट्रू एंड एट लीस्ट वन इज ट्रू और ओनली वन इज ट्रू एंड द नॉट ऑपरेशन चेक इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू द नॉट ऑपरेशन विल रिजल्ट इन फॉल्स एंड वाइस वर्सा। एज एन एग्जाम्पल एंड ऑपरेटर्स इन यूज टू फाइंड द सिटी ब्लॉक दैट हैव पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 200 एंड 300 पर्सन पर हेक्टेयर। सो ये जो लॉजिकल ऑपरेशन है इसमें हमारे पास मैं भी दो ऐसे एक्सप्रेशन हो जिसमें एक हमारे पास जो है वो ठीक हो और एक हमारे पास गलत हो। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसमें लॉजिकल ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर हाई डेंस वन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी या तो हमारे पास ग्रेटर हो 200 से एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमारे पास लेस हो। इसमें एंड का जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज़ हो रहा है तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ कमांड लाइन में पेस्ट करके चेक करते हैं कि आइदर इज इट वर्केबल और नॉट। सो प्रेस द एंटर की। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। ये हाई डेंस वंस हैं, इसमें वो वैल्यूज आ गई जो कि हमारे पास 200 से ग्रेटर है एंड लेस है 300 से। अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें दूसरा जो कंडीशनल फंक्शन है इसमें एफ़ का जो स्टेटमेंट है वो आ रहा है। द फॉर्मेट फॉर द कंडीशन स्टेटमेंट इन एलविस एफ ए बी एंड सी। एफ कंडीशन ए इज़ ट्रू एंड रिटर्न एक्सप्रेशन बी, अदरवाइज रिटर्न एक्सप्रेशन सी। इसको हम चेक करते हैं, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और एलविस सॉफ्टवेयर में हमने इसको पेस्ट करना है।
कमांड लाइन में पेस्ट करते हैं। ओके, ये भी हमारे साथ हाई डेंस आ गया। ई सेम वर्क है, हमने सिंपल फॉर्मूले हमने ऐड कर दिए। अभी हम ऑपरेशन यूज्ड फॉर क्लास और आईडी कॉलम्स की तरफ जाते हैं। इसमें कुछ ही यही सेम प्रोसीजर है। इसमें रेजिडेंशियल एरिया है, लैंड यूज़ है, रेजिडेंशियल है। हाउ टू डिफाइन डोमेन ए फंक्शन विद क्लास और आईडी, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिखा है। हम मूव करते हैं, लास्ट में हम देखते हैं डिलीटिंग अ कॉलम। द कॉलम हाई डेंस बैकलिंकिंग द नेम ऑफ द कॉलम फ्रॉम द एडिट मेन्यू, चूज डिलीट, कंफर्म डिलीट, सेलेक्ट कॉलम हाई डेंस वन एंड प्रेस द डिलीट की एंड कीबोर्ड, कंफर्म दैट डिलीशन, सेलेक्टेड द कॉलम हाई टू। इस तरीके से हम इसको डिलीट करेंगे सॉफ्टवेयर में। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ से हम आपको प्रैक्टिकली शो करते हैं कि हाउ टू डिलीट अ टेबल। ये टेबल है, इसको हम क्लिक करें, सेलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से हम डिलीट पे क्लिक करें। इसको हम कंफर्म कर लें, यस, देखिए डिलीट हो गया। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें। विद दिस वे वी कैन डिलीट कॉलम फ्रॉम अ टेबल। आई होप यू विल लर्न दैट हाउ टू डिलीट अ कॉलम एंड हाउ टू यूज़ मल्टीपल ऑपरेशन इन एलवीएस सॉफ्टवेयर। थैंक यू।